सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं सहायक अध्यापक सुरेंद्र कुमार, जिला अंबेडकर नगर से, आप सभी सम्मानित शिक्षक जनों, विद्यार्थियों और प्रिय देशवासियों का अपने शैक्षिक विज्ञान और तकनीकी YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज आप जो वीडियो देखेंगे, इस वीडियो का उद्देश्य है कि मानव संपदा पोर्टल में डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद गलती हो जाती है तो कैसे सही करें, जाने संपूर्ण जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग मानव संपदा पोर्टल उत्तर प्रदेश में लॉगिन करना जान चुके हैं, अगर नहीं जाने हैं तो आप मेरे वीडियो को देखकर लॉगिन करना सीख सकते हैं। तो लॉगिन करने के बाद आप जनरल में जाएंगे, जनरल में जाने के बाद व्यू अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डॉक्यूमेंट कैटेगरी, एजुकेशन डॉक्यूमेंट, अदर डॉक्यूमेंट, इसके बाद आपके पास दो ऑप्शन इसके दिखेंगे। इसके अलावा आपके सामने डॉक्यूमेंट टाइप, क्वालिफिकेशन नेम, स्ट्रीम, स्पेशलिटी, इशू डेट, रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, इस तरीके से आप एक एक कॉलम को चुनेंगे। चलिए चुनते हैं। डॉक्यूमेंट टाइप में सर्टिफिकेट को चुनाव किया गया। इसके बाद क्वालिफिकेशन नेम में आप हाई स्कूल से लेकर जितनी आपकी स्नातक और मास्टर डिग्री है सभी का यहाँ पर लिस्ट दिया होता है, आप उनको यहाँ से चुनाव करेंगे। तो चलिए हाई स्कूल को देखते हैं। तो हाई स्कूल में स्ट्रीम स्पेशलिटी जो है कोई नहीं होती, तो एनए का चुनाव करेंगे। अगर इंटरमीडिएट है तो उसमें साइंस, मैथ, कॉमर्स, कंप्यूटर जो भी देगा आप चुनाव कर लेंगे। तो इस तरीके से हाई स्कूल के लिए एनए हो गया। इशू डेट के लिए कई लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि जांचकर्ता के भी हस्ताक्षर होते हैं, प्रिंसिपल के भी होते हैं, लेकिन अगर आप मार्कशीट सर्टिफिकेट को देखेंगे तो उस पर एक डेट प्रिंट होती है, उसे इशू डेट माना जाता है। तो जैसे अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि मेरी इशू डेट क्या है। तो इस तरीके से आप चुनाव करेंगे इशू डेट का। तो मैंने यहाँ पर अपने डेट का चुनाव किया, और चुनाव करने के लिए आपको ध्यान देना है कि जो वर्ष देता है वर्ष पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके वर्ष की लिस्ट खुल कर आएगी, उस वर्ष की लिस्ट को आप यहां सेलेक्ट कर लेंगे, और जो मंथ दिखा रहे हैं वहां पर क्लिक करेंगे तो आप इस तरीके से मंथ का चुनाव करेंगे, और जो नीचे जब मंथ का चुनाव करने के बाद जो डेट देती, जैसे जून मैंने देखे चुन लिया यहाँ पे, और जो डेट दी गई थी डेट पे क्लिक करेंगे तो वो डेट यहाँ पर आपकी आ जाएगी। ये थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, डायरेक्ट एंट्री नहीं होगी डेट की, जब तक आप सिस्टमेटिक नहीं करेंगे नहीं होगा। इस तरीके देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिनांक देखिए दिखा रहा था, इशू डेट 29/6 और ये अनक्रमांक रोल नंबर है। तो इस तरीके से आप अपने डिटेल को देख सकते हैं। तो आप जब कन्फर्म कर लेंगे, यहाँ पर रोल नंबर आप डालेंगे, अनुक्रमांक, तो मैंने अपने मार्कशीट सर्टिफिकेट के अनुक्रमांक को डाला। और जैसा कि आप इसे जूम करके फ्रंट पे, स्क्रीन पे, मेन पेज पे, होम पेज पे लाकर आप क्रॉस दोनों को एक साथ में चेक कर सकते हैं। आपके बटन पे दिया होता है बाएं तरफ बोर्ड में, आप यहाँ चुनाव कर लेंगे यूपी बोर्ड या आदि जो भी आपके बोर्ड हैं। इसके बाद आप चूज फाइल पर आप चुनाव करेंगे, वहाँ पर चूज फाइल पर करते ही आपके पास फाइल ऑप्शन खुल कर आएगा। फाइल जहाँ पर आपने रखा है वहाँ से ब्राउज कर लीजिए अपने फाइल मैनेजर में जाके, इंटरनल एक्सटर्नल जहाँ पर भी आप रखे हुए हैं। ध्यान रखिएगा फाइल का नाम जरूर डाल लीजिए, जैसे मैंने डाल कर रखा हाई स्कूल सर्टिफिकेट, इसे 100 KB के अंदर बना लीजिएगा। कैसे बनाना मैंने पूरी जानकारी आपको दी है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे हाई स्कूल सर्टिफिकेट करके आ गया है, तो आप देख रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि मैक्सिमम फाइल साइज जो है 100 KB के अंदर होना चाहिए, और वैलिड मतलब फाइल मतलब किस प्रकार की फाइल आप लोड कर सकते हैं, तो आप PDF भी कर सकते हैं, इसके अलावा JPG और JPEG ये जो है पिक्चर के रूप में, फोटो के रूप में भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो चाहे आप PDF करिए चाहे पिक्चर के रूप में, आप स्वेच्छा से कर सकते थे। इंट्री को आप चेक करेंगे, देख लेंगे, अगर किसी प्रकार की आपकी रिवीजन करने के बाद कोई कमी गलती नहीं आती है तो फिर आपको क्या करना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपसे कोई गलती हो जाती है, तो गलती जैसे मान लीजिए यहाँ पर 6 था, मैंने यहाँ पर अब जुलाई कर दिया तो ये 7 हो गया। देखिए अब 29/7 हो गया। हो सकता है कि आपको टच करने में ही गलती हो जाए और दोबारा आप रीचेक ना करें और आपकी जो है कमी हो जाए। मान लीजिए
रोल नंबर में आपने जो है एंट्री किया, कोई नंबर आगे का पीछे, या आप कह सकते हैं कि इधर का उधर, या कोई मिस हो गया, या कोई छूट गया, या कोई एक्स्ट्रा नंबर आ गया, तो इस तरीके से आपके किसी भी डाटा में इनकरेक्ट हो सकता है, गलत हो सकता है। तो इस कंडीशन में जब आप से मान लीजिए कोई डाटा में चेंज हुआ, गलती हुई, जैसे मैंने अपने रोल नंबर में 121 आखिर था तो मैंने 112 हो गया, ह्यूमन एरर के तहत गलतियां हो सकती हैं अगर हम उसको बारीकी से चेक नहीं करेंगे। तो चलिए अब सबमिट पे क्लिक करते हैं। सबमिट पे क्लिक करते ही हमारे सामने लिख के आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू सेव दिस डाटा। जैसे आप ओके पे आप ये सूचना देखेंगे, ओके पे क्लिक करते ही ये डाटा आपके पास एक और लिख कर आएगा कि डाटा हैज़ बीन सक्सेसफुल्ली सेव। यहाँ पर बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है, सर्वर एरर के कारण कभी कभी फेल हो जा रहा है, अटैच अटैक करके दे रहा है, तो इस तरीके ध्यान रखें। जैसे आप करेंगे व्यू अपलोड में, आप व्यू पर अपलोड करेंगे तो आप देखेंगे व्यू डाटा अपलोडेड, व्यू डाटा पे व्यू अपलोडेड डाटा, जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे तो आपके सामने सभी एंट्री को एक एक करके दिखाएगा। देखिए एंट्री रोल नंबर मैंने गलत डाला था, गलत इनकरेक्ट होगा, यहाँ पर देखिए 7 होके आ रहा है, तो इस तरीके से गलत होगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फाइल लिख के आया, फाइल पे आप पीडीएफ है, फोटो जो भी शो करेगा उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपका पीडीएफ है तो पीडीएफ रीडर में खुलेगा, फोटो है तो फोटो में जाके खुलेगा। वहाँ से आप अपने डाटा को एक बार फिर चेक करिए, जैसे देखिए ये मेरा अंक क्रमांक है, इसे मैं एक बार रीचेक करूँगा। इसके बाद नीचे आप देख रहे हैं कि अंक क्रमांक चेक करने के बाद नीचे आप देखें यहाँ पर दिनांक लिखा हुआ है, इशू डेट 29/6/2000। तो इस तरीके से जब इन डाटा को आप अपलोड करने के बाद फिर आप वहां से फाइल को जाकर ओपन करिए और फिर वहां से एक बार फिर जाके क्रॉस चेक करिए। इस तरीके से जब आप पूर्ण रूप से विश्वस्त हो जाइए कि आपका सभी एंट्री सही है, और तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आपको हम बताते हैं कि मान लीजिए कि अगर आपने डाटा, जैसे मैंने यहाँ पर 21 के जहाँ 12 हो गया और जून के जहाँ जुलाई हो गया, तो आप इसे क्या करेंगे, तो आप एक्शन पे डिलीट पे जाइए, वहाँ पर आप डिलीट करेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप करेक्ट करेंगे। तो एडिट ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया है, यहाँ पर आपसे पूछेगा क्या आप स्वेयर हैं डिलीट करने के लिए, जैसे ओके कर देंगे तो डाटा डिलीट सक्सेसफुली लिख के आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका डाटा नो रिकॉर्ड डाटा हट जाएगा। यहाँ पर एडिट ऑप्शन देना चाहिए, फिर अगर आपको नए सिरे से फिर उसको सही तरीके से सभी एंट्री कर लीजिए, एंट्री करने के बाद डाटा को आप अपना अपलोड करिए, सबमिट करिए, सक्सेसफुली सबमिट कर दीजिए, और इस प्रकार से व्यू में जाकर आप पूरे सभी एंट्री को चेक करिए, देखिए क्या कहीं पर कोई कमी है, अगर नहीं है तो सही है। आप फाइल में जाकर वहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आप फिर से एक बार जो एंट्री आपकी दी गई दोबारा अगर कुछ डाउनलोड करते हैं तो अगेन पूछता है, तो उसको ओके करिए, डाउनलोड करिए, और यहाँ पर फिर से आपको पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। इस प्रकार से आप अपनी पूरी डिटेल को आप रीचेक कर लीजिए, देख लीजिए, जब पूर्ण रूप से आपका सभी चीज़ सभी एंट्री करेक्ट हो तो आप विश्वस्त हो जाइए, अगले जो है डॉक्यूमेंट को आप अपलोड करें। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि अगर किसी तरीके से आपका डाटा एंट्री में कमी होती है या कोई डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी आ जाती है, गलत एंट्री हो जाती है, चाहे इशू डेट हो, चाहे सर्टिफिकेट का नाम हो, चाहे कैटेगरी चुनने में हो, मार्कशीट के जहाँ सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट जहाँ मार्कशीट, तो इस तरीके से आप जो भी चुनाव करते हैं या आपका रोल नंबर गलत हो जाता है, जो भी चीज़ें आपकी इनकरेक्ट होती हैं उन्हें आप सुधार करेंगे। चलिए हम आपको अदर डॉक्यूमेंट में एक पैन का उदाहरण लेते हैं, पैन के बारे में बताते हैं। पैन नंबर, तो जैसा कि आप जानते हैं कि पैन नंबर में आपको एक चीज़ डेट के लिए जो इशू डेट है उसे आपको मैं यहाँ बताना चाहूँगा। बहुत से लोगों को कमेंट आ रहा था कि वो डेट नहीं जान पा रहे थे। डेट देखिए फोटो के नीचे आपका लिखा है, मेरी डेट लिखी है 16/4/2015। तो इस तरीके से जो फोटो आपकी होती है उसके फोटो के बेड़े आप देख रहे हैं ऊर्ध्वाधर, आपका इस तरीके से डेट लिखी हुई है 16/4/2015। तो इस तरीके से आप डेट यहाँ से इसका पैन का देख सकते हैं। बाकी आपकी सर्टिफिकेट मार्कशीट पे जो भी डेट इशू है उसे आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस तरीके से आज की जो वीडियो का उद्देश्य था आपको मैंने बताया किस तरीके से अगर कोई डाटा एंट्री हो जाती है तो आप जो है अपने डाटा को कैसे पुनः सही करके फिर पुनः अपलोड करेंगे। वैसे इसमें एडिट का ऑप्शन होना चाहिए, एडिट होने पे हमारा काम और आसान हो जाता है, लेकिन एडिट ऑप्शन नहीं है तो हमें डिलीट करके पुनः एंट्री करना पड़ेगा। इस प्रकार से आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सटीक और उपयोगी जानकारी आपको मिलती रहेगी। आप मेरे चैनल से जुड़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करिए, आप लोगों को ऐसे ही वीडियो मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।